मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कटनी में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई है। यात्रा से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया, जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार ने प्रदेश में कोई भी विकास के कार्य नहीं किए हैं, वहीं बीजेपी की शिवराज सरकार ने विकास की जो दीवार खड़ी की है उसे कांग्रेस कभी भेद नहीं पाएगी। वहीं बीडी शर्मा ने बताया कि विकास के मुद्दे पर ही हम आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे। के अंदर जो देश भर के अंदर नारा दिया कि 2024 तक कोई घर गांव ऐसा नहीं बचेगा देश का जहां पर नल से पानी नहीं पहुंचेगा, जल जीवन मिशन का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री का है। आपके कार्यकाल के दौरान 248 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन का क्यों आपने खर्च नहीं किया था, लैप्स होकर के वापस चला गया, क्योंकि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार को श्रेय मिलेगा। 15 महीने के कार्यकाल में क्यों किसानों की सूची नहीं भेजी थी, वो किसान भी आक्रोश में, चिंता मत करिए। आक्रोश किसके खिलाफ है ये तो जनता आपको बताएगी, क्योंकि आप केवल झूठ और छल कपट करना चाहते हैं। आप ही मीडिया के मित्र हैं, आपके बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, एक न्यूज चैनल्स का बैनर उपयोग करके फर्जी सर्वे रिपोर्ट बना दी और कमलनाथ जी ट्वीट कर रहे हैं। अरे जिम्मेदार लोग हैं आप।